लगातार न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज से कुछ दिन पहले यानी 27 तारीख को हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, एक स्पेशल एपिसोड दिखाया था डंके की चोट पर का। वो स्पेशल एपिसोड था धान के घोटाले का। उस एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि कैसे रामदास साहू नाम का एक शख्स सिर्फ पलामू के मनातू प्रखंड में लाखों लाख का घोटाला कर चुका है धान का। हमने थोड़ी और खोजबीन की, थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि यह घोटाला सिर्फ पलामू तक सीमित नहीं है, सिर्फ मनातू प्रखंड तक सीमित नहीं है। यह घोटाला सिर्फ रामदास साहू की अगर बात करें तो रामदास साहू ने सिर्फ पलामू में 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है धान में। और यह घोटाला सिर्फ धान के क्रय विक्रय तक सीमित नहीं है, यह घोटाला ट्रांसपोर्टेशन का भी है। इस शख्स के कई क्रशर मशीन भी चलती हैं, बहुत सारा खेल है। अब सिर्फ पलामू में अगर यह घोटाला 500 करोड़ का है तो आप अंदाजा लगाइए कि झारखंड की सीमा पलामू प्रमंडल से लेकर के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल तक, झारखंड की सीमा संताल से लेकर के कोल्हान तक, झारखंड की सीमा कोयलांचल से लेकर के फिर से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल तक आती है। इन तमाम जगहों पर अगर इसकी जांच की जाए तो यह घोटाला कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। किसी भी खाद्य आपूर्ति में इससे बड़ा घोटाला मेरा यकीन है कि पूरे देश में नहीं हुआ होगा। तो क्यों इसकी जांच नहीं हो रही है, आज इसी पर डंके की चोट पर वार करेंगे और जांच करवा के रखेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हर वार करेंगे डंके की चोट पर। किसान मेहनत करता है, खून को पसीना बनाकर बहाता है, तब जाकर खेत में धान बोता है। किस्मत ठीक रही, भगवान और मौसम दोनों ने साथ दिया तो खुशी खुशी धन कटनी करता है और फिर खलिहान तक धान पहुंचता है। यह तब होता है जब सब कुछ सही चले, बिल्कुल खुशकिस्मत रहे किसान तब। लेकिन फिर आते हैं कुछ लोग जो धान चोर कहलाते हैं, यह वो लोग हैं जो धान चोरी कर लेते हैं। इनमें से एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो नाम है रामदास साहू का, जिनकी तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं। कहने वाले इन्हें RDS कहते हैं। अब धान चोर भी हैं रामदास और जादूगर भी हैं। ऐसे चोर जादूगर पर कार्रवाई जरूरी है। जादूगर कैसे हैं वो भी बता देता हूं। जादूगर ऐसे हैं कि इनके जादू को साबित करते हैं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स में आप देखिए कि एक किसान जो सरकारी तर्ज पर 30 क्विंटल धान जो है वो पैदा कर सकता है, मैक्सिमम 30 क्विंटल, वो किसान धान बेचता है 300 क्विंटल। कैसे? यही तो जादू है रामदास साहू का। इसी जादू पर एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। एक बार जादू दिखा दीजिए। जादू देखिए, अजूबा देखिए, खेला देखिए, मनातू में खेला, छतरपुर में खेला, बांकी में खेला, 70 क्विंटल वाला 300 क्विंटल बेचता है, 30 क्विंटल वाला भी 300 क्विंटल बेचता है। सिर्फ पलामू में ये 500 करोड़ का घोटाला है। इसी पैसे से पलामू का RDS रमाडा बना है। धान चोर किसानों को डरा रहे हैं, धान चोर ट्रांसपोर्टिंग में भी खेला करा रहे हैं, धान चोर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, धान चोर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या किसानों के पेट पर लात मारने वाले माफ किए जाएं? क्या किसानों के दुश्मन पर कार्रवाई न हो? धान चोरी की जांच कब?
धान चोरों पर कार्रवाई कब? आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा घोटाला हो सकता है अगर सिर्फ एक जिले में, हम रफ अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 500 करोड़ का है, सिर्फ एक जिले में। ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि ये खेल कितना बड़ा है, आप सोचिए ना। एक किसान, सिर्फ एक किसान का नाम मैं बता रहा हूं, ये किसान है मयूर अहमद और नुसरत परवीन, जिनका अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पदमा में है, मनातू के तहत आता है ये। 6/5/2020 को सेमटेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए इसमें क्रेडिट होते हैं और फिर 8/5/2020 को ये पैसा निकल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है चेक के माध्यम से, और कहां जाता है ये? आरडीएस एंड सन्स को, उसी तरीके से। और है डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, आप देखिए कि इन्हीं का अकाउंट है 12/3/2020 को सेमटेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1,81,500 रुपए क्रेडिट होते हैं और फिर यही पैसा वापस से बाकायदा 18/3 को ट्रांसफर हो जाता है। जादू है ना, किसान बेचारा मोहरा रह जाता है। पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के बैठा हूं मैं, पूरा डॉक्यूमेंट है, और ऐसा ये सिर्फ एक किसान का मैं बता रहा हूं। मैं आप एवरेज ले लीजिए, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ मनातू का, ठीक है। इस मनातू के डॉक्यूमेंट में मैं देख रहा हूं, आपको मैं बताऊं कि इसमें लिस्ट है 21 किसानों की और 21 के 21 किसानों के साथ खेल हुआ है। अगर ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए, ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए एक किसान के अकाउंट में आते हैं, ठीक है, 21 किसान है, आप जोड़ लीजिए। ये वो है जो हमने अभी एक क्षेत्र का सिर्फ किया है, मनातू का। अभी इसमें बहुत सारी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूं, वो लिस्ट मैं आपको खोल के दिखाता हूं, आप सोचेंगे। जो हमने रिसर्च किया है आपको मैं उन किसानों की लिस्ट बता रहा हूं। देखिए लिस्ट है उनकी, चंपा कुमारी है सतबरवा की, जिनके पति हैं ललन साहब, इनकी आईडी जो है वो है 2912202007/22896। ऐसे ऐसे करके कम से कम मेरे पास 200 किसानों की लिस्ट है, 200 किसानों की लिस्ट है। आप जोड़ लीजिए कि 2 लाख रुपए इंटू 200 किसान, 2 लाख रुपए मिनिमम है, आप सोच लीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए। और यह देखना चाहिए उन लोगों को भी जो किसान दिल्ली से लेकर के रांची तक कृषि कानून, एमएसपी, इन तमाम चीजों को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे, कि असल में किसानों के पिछड़ेपन का कारण, सरकारें तो आती हैं चली जाती हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, असल में उनके पिछड़ेपन का कारण जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये ना बीजेपी के हैं, ये ना कांग्रेस के हैं, ये ना जेएमएम के हैं, ये ना आरजेडी के हैं, ये ना आजसू के हैं, ये सिर्फ मानवता के दुश्मन है, सिर्फ और सिर्फ मानवता के दुश्मन है। और नतीजा आपको मिलता है डाल्टनगंज में चमचमाती आरडीएस रमाडा के रूप में। इनके पास इतना पैसा है कि मैं आपको बताऊं कि इनको पता नहीं है कि अपने पैसों को हम कहां इन्वेस्ट करें। चलिए मैं आपको किसानों की बात सुना देता हूं, यह जरूरी है। आप सोचिए कि रामदास साहू किस कदर पावरफुल आदमी है कि हमने जब खबर दिखाई उसके बाद किसानों के पास धमकी जाने लगी। यह आदमी चैलेंज करता है कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसका मतलब कि कोई ना कोई तो इसकी मदद कर रहा है। कौन है वो शख्स जो इनकी मदद करता है और ऐसों की मदद करता है? अगर सिर्फ पलामू का हम ये आंकड़ा दिखा रहे हैं तो आप सोचिए कि पूरे झारखंड में अगर जांच हो जाए तो धान क्रय में कितनी गड़बड़ी है, वो कैसे सामने आएगी। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ जाएं, एक बार फिर से हमारे मेहमान भी समझ जाएं कि आखिर पूरा मामला है क्या। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। झारखंड के पेट से अगर खनिज निकलता है तो झारखंड की ही कोख से किसान की कड़ी मेहनत के बाद धान भी निकलता है। इसी धान के कुछ चोर हैं जो किसान की मेहनत पर लात मार कर अपनी जेब भर लेते हैं। उनमें से एक शख्स को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, यह है रामदास साहू। ये पलामू के ऐसे जादूगर हैं जो 30 क्विंटल धान पैदा करने वाले किसान से 300 क्विंटल धान बिकवा देते हैं, और उसका सबूत है मनातू सीओ की ये लिस्ट। ये पूरी लिस्ट है ऐसे किसानों की। उससे भी गजब बात देखिए, धान बेचने का पैसा किसान के अकाउंट में आता है और उसके अगले दिन ये पैसा रामदास साहू की कंपनी आरडीएस के नाम से किसान ट्रांसफर कर देते हैं। उसका भी सबूत इस अकाउंट स्टेटस में देख लीजिए।
अब इन सब के बाद हम खोजते खोजते किसानों तक पहुंचे और किसान बोले कि हुजूर हमें तो कुछ पता ही नहीं कि पैसा आया कितना और गया कितना, हमने तो बस जो मांगा गया वो दे दिया। धान तो हम अपना मान लिया जाए कि मेरा मनातू में पैक्स में 10 क्विंटल 85 किलो का मैसेज था, उसी में हम 10.5 क्विंटल के आसपास देते थे हर साल। लेकिन फिर जो 300 क्विंटल का जो मेरे पास जो मैसेज है वो मेरे पास उस जमीन नहीं है उतना, और ना हम किसी तरह कोई ऐसा आईडी बनाए हैं, ये कहाँ से बना है उसे हमको मालूम भी नहीं है, और कैसे धान कहाँ से डलाया है उस चीज़ के भी हमको जानकारी नहीं है। 2 लाख से बेसी पैसा आया तो पिछले साल हम लोग उनको धान नहीं दिए थे, तो उनका पैसा आया तो कहेंगे मेरे पास खाता आप लोग के खाता में पैसा चला गया ऐसे निकाल के दे दो, हम लोग निकाल के उनको दे दिए, इनको दे दिए रामदास साहब के नाम से। मेरा कैसे आईडी बना या क्या चीज़ का पैसा गया इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ हम यही जानते हैं कि मेरे खाता में पैसा आया, उसके जस्ट दूसरे दिन हमको खबर होता है कि पैसा आपके खाता में गया है, आप निकासी कर दीजिए। हम पुनः चेक के माध्यम से RDS सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चेक दे देते हैं। कुछ नहीं हम लोग जानते हैं सर, समझे, रामदास साहब जो है दोस्ती था और उसी में वो पैसा है, भोला साहब जाते थे कहते थे कि साइन कर दे, सो पैसा तो खाता में आया रामदास साहब के, वही हम साइन कर देते थे। ये पता नहीं है कि धान का पैसा डाला है वो कि कौन पैसा। सर हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है सर, सिर्फ रामदास चा से एक बार हमारी बात हुई तो बोले कि बाबू से अपना खाता नंबर दो से हमको जरूरी है। तो चूंकि देखिए सर, हम लोग गांव के मतलब जो भी हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, सब हम लोग एक रिश्तेदार की तरह रहते हैं, तो हम समझे कि हमारे गांव के मानिंद आदमी हैं तो शायद इनको जरूरी पड़ता होगा, समझे ना, तो हम अपना अकाउंट नंबर दे, तो बोले और ये भी अकाउंट नंबर है, तो बोले हाँ मेरी पत्नी का है, तो हम और हमारी पत्नी का अकाउंट नंबर, तो बोले कैसा करो कि अकाउंट नंबर क्या दोगे, चेक कैंसिल करके दे दो, तो हम अपनी पत्नी का एक चेक कैंसिल करके और एक अपना चेक कैंसिल करके उनको दे दिए, अकाउंट नंबर तो उनको प्राप्त हो गया और उसके बाद पैसा आया। तो हमारे गांव के ही हैं भोला चचा, वो आए कि बाबू पैसा आ गया खाता में से, तो हमको उससे क्या मतलब सर, पैसा आया तो उनका पैसा है। सिर्फ मनातू प्रखंड में ये इतना बड़ा घोटाला है तो सोचिए कि पूरे पलामू में जांच हो तो कितना बड़ा घोटाला होगा। धान तो पलामू से लेकर कोल्हान और छोटा नागपुर से लेकर संताल तक होता है, यानी पूरे झारखंड में हर प्रखंड में इसकी जांच हो तो कितना बड़ा घोटाला होगा। रामदास साहू खुद को कांग्रेस का नेता बताते हैं, रामदास साहू के बेटे खुद को बीजेपी का नेता बताते हैं, रामदास साहू जैसे लोग पूरे समाज के दुश्मन हैं। कुछ लोगों ने न्यूज 11 भारत को बताया कि रामदास साहू झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव के करीबी हैं। अब जब कुछ लोगों ने बताया तो हमने सोचा कि हम क्या इधर उधर पूछें, हम सीधे मंत्री जी से ही पूछ लेते हैं, लेकिन जब हमने ये पूछा तो मंत्री जी भड़क गए, देख लीजिए उनका भड़कना भी। खाद्य आपूर्ति विभाग है, आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में एक ही व्यक्ति आपूर्ति करता है, अनाज वितरण से लेके उठाव से लेके ट्रकों के सब कुछ मामले में, और यह दावा करता है कि झारखंड का कोई भी व्यक्ति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर राव जी हमारे साथ हैं। सर, रामदास साहब एक ऐसा शख्स है जिसने खाद्य आपूर्ति विभाग को जेब में रखा हुआ है। ये आप कह रहे हैं, रामदास साहू से तो नहीं सुना मैंने, ये आपकी बोली है। रामदास साहू हमसे नहीं मिलते हैं, हम उनसे नहीं मिलते हैं, हम किसी से भी कारोबारी से नहीं मिलते, मेरी अपनी आदत है, ठेकेदार से नहीं मिलते, कोई व्यापारी से नहीं मिलते। आप देखते हैं कभी आते हैं, कभी देखें कोई व्यापारी को बैठे हुए मेरे यहाँ, कोई ठेकेदार को देखें बैठे हुए, नहीं बैठने देता मैं, ना ऑफिस में ना यहाँ। तो रामदास बाबू क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं मुझे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सर, पूरे तरह से वो फर्जी तरीके से धान खरीदी से लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग का तमाम कारोबार करता है। आप सूचना दे रहे हैं, मैं DC को कल चिट्ठी लिखूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं क्या है वो चिट्ठी लिखूंगा DC को, DC जांच कराएंगे, DC से जांच होगी, इतना ही कहूंगा। और वो यह भी कहता है सर कि मैं रामेश्वर उरांव का आदमी हूँ।
मेरा कोई आदमी नहीं है, मेरा आदमी नौकरी छोड़ा तो मेरा आदमी गरीब आदमी है और आज के दिन के गरीबों के लिए ही गांव और गरीबों के लिए ही काम कर रहा हूं। ये आप 15 लाख लोगों को जोड़ने का देख रहे हैं राशन कार्ड से और सबको धोती लुंगी साड़ी बटने देख रहे हैं, ये मेरा ही काम है। इसे सहमति लेके मुख्यमंत्री जी से सहमति लेके मैं ही करा रहा हूँ। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कोई कहने से न्यूज 11 लगातार खुलासा कर रहा लेना देना नहीं, वो क्या बोलता है नहीं। जाइए हटे जाइए जाइए सर, न्यूज 11 के खाओ छोड़िए ना, क्या सही है क्या आप हो गए ना आप इज्जत किए मेरे घर आए हैं, अब ज्यादा मत बोलिए। बस आपने कह दिया मैंने, लेकिन सर जांच कराएंगे सर। मैंने तो कहा जांच कराऊंगा, चिट्ठी लिखूंगा उसको, बोले कि क्या बात है इसमें, आप क्या पहले तो अब लिख के दीजिए ना क्या है, अब कह दिए तो मान जाएंगे हम। खैर देखिए, ऐसे खून चूसने वाले लोग ना तो बीजेपी के होते हैं ना कांग्रेस के होते हैं, ये लोग तो बस समाज और मानवता के दुश्मन होते हैं और यही कारण है कि हर कोई इन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये हेमंत सोरेन सरकार हर पहलू को देख के आगे बढ़ता है, अगर कोई भी चीज बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, लेकिन अगर हुआ है तो उसका अपन निश्चित रूप से हेमंत सोरेन सरकार उचित कार्रवाई करेंगे। इसमें तो जांच होना ही चाहिए और हम भी जांच का मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग जो सुन रहे हैं अभी एक तो पेमेंट नहीं हुआ, बहुत लोगों को पेमेंट भी नहीं हुआ, जो आदमी का धान गया अभी तक, अभी बैद्यनाथ राम जी बोल रहे थे हमको पेमेंट नहीं मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा। क्यों जाँच हो रही है, जाँच हो रही है, वो हम लोग कैबिनेट में भी बात किए थे, जांच हो रही है। किसके निकटता है ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, तो जांच का विषय है, लेकिन गड़बड़ी तो शुरू से ही हुआ है और हमने कहा कि कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुआ, चाहे वो धान की खरीद हो चाहे कंबल की खरीद। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, तो सरकार को चाहिए कि इस विषय पे निष्पक्षता पूर्वक जांच करानी चाहिए। पिछले दौरे में हमारे नॉलेज में आया था, मैंने वहाँ के उपायुक्त कुछ महोदय हैं उनको निर्देश दिया था, उन्होंने जांच रिपोर्ट पूरी कर ली है और उस पर माकूल कार्रवाई की जा रही है। इसलिए जो पलामू में घटना घटी, पलामू के जो किसानों के नाम पर रामदास साहू नाम का व्यक्ति और उनका परिवार, जिस और दुर्भाग्य ये है कि वो कांग्रेस का सक्रिय नेता है कांग्रेस का, और कांग्रेस के आड़ में पूरे भ्रष्टाचार का वो जननी बन चुका है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बड़ा दुर्भाग्य है। राज की सरकार और कांग्रेसियों का उनका उन पर पूरा समर्थन है। जांच की मांग करें निश्चित तौर पर, उन पर कई आरोप हैं, आरोपों का उनके पास सिलसिला नहीं, हम कहते श्रृंखला है और इसकी जांच होनी चाहिए। FIR दर्ज नहीं हुआ, उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और ये भारत सरकार के पैसे का गबन हुआ है, इसलिए राज्य की सरकार को CBI के पास अविलंब जांच करने के लिए अनुशंसा करनी चाहिए। देखिए, ये जो मामला बहुत गंभीर है जो सामने आया है, जो मैं आपके चैनल पे देख पा रहा हूँ, और हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कि कई बार सिर्फ चीज़ें सामने आती हैं और फिर बातें ख़त्म हो जाती, वो नहीं होना चाहिए। हमारे जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उन्होंने जांच का आदेश दिया है जैसा मैं आपकी खबरों में देख पा रहा हूं, तो हमें लगता है कि इंतजार करना चाहिए। और अब जब हर कोई कार्रवाई की बात कह रहा है तो अब तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं, अब तक रामदास साहू एंड संस पर नकेल क्यों नहीं, जब सबूत है, पीड़ित है, गुनहगार भी है, तो ऐसी सुस्ती क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। भाई सबको लगता है कि गड़बड़ी हुई है, सब ईमानदार भी हैं, तो आखिर धान चोर को बचा कौन रहा है? क्यों जांच नहीं हो रही है और क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है? चलिए एक मिनट के लिए हम चंपईदा जो बोल रहे हैं, चंपईदा की बात मान लेते हैं कि ठीक है, कोई हड़बड़ी के साथ हम काम नहीं करते और यह अच्छा है, यह अच्छा है, यह अच्छा है, क्योंकि किसी बेकसूर को प्रताड़ित नहीं करना है, लेकिन कसूरवार को छोड़ना भी नहीं है सर। और
मंत्री रामेश्वर उरांव जी, अरे माइक क्यों झटक रहे हैं हुजूर? हमारा काम है सवाल पूछना, हमने पूछ लिया। अब आप कह रहे हैं कि आपने कभी देखा क्या कि कोई ठेकेदार बैठा हुआ? तो गुरु, मैंने तो चीन भी नहीं देखा है, लेकिन चीन है ना, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपने माइक झटक दिया न्यूज 11 भारत का। सर, दिस इज नॉट डन। ठीक है, संभव है, कुछ बातें ऐसी थी जो आपको नागवार गुजर रही थी, तो आप उसका पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दे देते, माइक नहीं झटकना था सर, माइक नहीं झटकना था। कृषि मंत्री जी, आपकी तो हम बातें सुन रहे हैं कि हाँ भाई कार्रवाई होगी 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 होगी, कभी रांची चले जाते हैं आप, कभी जरमुंडी चले जाते हैं आप, कभी धनबाद पहुंच जाते हैं आप, कार्रवाई नहीं हो रही। सर, ये दुश्मन है समाज के, आप समझिए इस बात को। खबर दिखाने के बाद किसानों को जाकर के धमकी दे रहे हैं सर। अब ये बेचारे भोले भाले किसान हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि हुआ क्या है। ये बाकायदा आंकड़ा है, आप देख लीजिए, मेरे पास तो 21 लोगों की ये लिस्ट है और लगभग 200 लोगों की इधर लिस्ट है। भाई सब कुछ हम तो दिखा रहे हैं आपको सामने में, इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो सवाल तो उठेगा, लोग सवाल पूछेंगे, और जाहिर सी बात है सवाल पूछेंगे लोग। कार्रवाई कीजिए सर, कार्रवाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कार्रवाई। देखिए, मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर न्यूज 11 भारत, और मेरे साथ लातेहार से विधायक बैजनाथ राम साहब भी जुड़े हुए हैं। बैजनाथ जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी धन्यवाद। अमित जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बैजनाथ जी के पास आ रहा हूं। बैजनाथ जी, बहुत सिंपल सा सवाल यह है कि ठीक है, मैं चंपईदा की बात से सहमत हूं कि कोई हड़बड़ी नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचार पर तो हम इंटॉलरेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिन लोगों ने हिम्मत दिखा करके न्यूज 11 भारत को अपना बयान दिया है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर किसी ने धमकी दिया है तो यह बहुत ही सेंसिटिव विषय है और इस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसान तो ऐसे ही परेशान है, उसके ऊपर अगर और प्रेशर बिल्डअप किया गया तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसान उसको टॉलरेट कर पाएगा, कहीं ना कहीं इसका इल्जाम सरकार पे लगेगा। बिल्कुल, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसका अविलंब जांच हो और कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जो समाज के दुश्मन है, और वो जो लोग कह रहे हैं कि ये दल का है, इस दल का है, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के काम करने वाले लोग किसी दल के नहीं होते हैं, वो अवसरबाजी होते हैं, अवसर का लाभ उठाने के लिए कभी किसी पार्टी के समर्थक बन जाते हैं, कभी किसी पार्टी के समर्थक बनते हैं। तो ऐसे ऐसे कृत्यों के लिए वैसे लोगों को जरूर चिन्हित करके कार्रवाई किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी दल से मतलब रखता हो, उससे मतलब नहीं है, किसी दल का हो, किसी दल का समर्थक हो या आम आदमी हो, लेकिन अगर ऐसे गुनाह का काम करता है, किसानों के साथ ठगी करता है, उनके हक की राशि को खा रहा है घपले के द्वारा, तो वैसे लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो उनको कटघरे में होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो चूंकि मतलब एक होता है कि ठीक है आप गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हो बात है, ये तो मतलब पाप है, गुनाह है एकदम। मतलब आप तो चूंकि लातेहार से ताल्लुक रखते हैं वैद्यनाथ ना, जी जी, आपको तो पता है कि पलामू लातेहार का ये जो क्षेत्र है, बिल्कुल, यहाँ की स्थिति ऐसी है, मतलब किसान का जो धान है वही उसकी कमाई है। बिल्कुल, सच बोले तो मतलब दुगो गाय रखता है, दुगो बैल पोसा, वही खेत से धान हुआ, उसी और, धान को बेचेगा। और तो हमारे यहाँ कहिए तो धान प्रमुख फसल है, सही बात, और जिस पर जीवन का किसान का जीवन निर्भर करता है, और ऐसी स्थिति में अगर उनके हक को कोई मारता है, उनके हक को कोई हड़प जाता है, तो ये इसको हम संज्ञेय अपराध है, और इसको तुरंत संज्ञान में लेकर सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई इब्बत नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सारे लोग सहमत है इस बात से कि ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। अभी भी, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जिन्हें या तो पैसा नहीं मिला है या उनके नाम पर किसी ने पैसा ले लिया है, जी सच बात, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, क्योंकि फिर से नहीं धान का सीजन आ गया है, धान बहुत ज्यादा कटनी हो गया, अभी कहीं कट रहा है, और अब किसान इस उम्मीद में है कि झारखंड सरकार उनके धान को खरीदे ताकि उनका उचित मूल्य मिले। ओपन मार्केट में 12 रुपए रेट खुल चुका है, अच्छा, तो सरकार 20 रुपए 50 पैसे खरीदती है तो सीधे 8.5 रुपया, आखिर वो किसानों का ही तो हक है, वो अगर नहीं मिलता है तो इसको अन्याय ही मानेंगे। बिल्कुल अमित जी, चूंकि बैजनाथ राम देखिए हमारे साथ हैं लातेहार से, लातेहार पलामू आसपास है, वैजनाथ जी तो हर चीज से वाकिफ हैं कि भैया क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इनको तो मतलब हाँ कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वैजनाथ दा तो वहां के चूंकि मिट्टी के वहां के बच्चे हैं तो उनको सब पता है कि भाई कौन कितना पानी में। लेकिन अमित जी, मैं अभी देख रहा था कि आपके पास भी कुछ डेटा है, कुछ आंकड़ा आप लेकर के बैठे हुए थे, कुछ बताइए ना जो आपने अभी तक जो खंगाला, आपकी रिसर्च कह रही है। भारती जी, मैं बता दूं आपको कि रामदास साहू एंड सिंडिकेट
कि पकड़ सिस्टम में इतनी मजबूत है कि उनपे कार्रवाई मुझे लगती है कि बहुत मुश्किल है। 7 सितंबर को झारखंड विधानसभा के गेट पर मेदिनी नगर में जो पलामू है वहां पे धान खरीद में अनियमितता को लेकर छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही, धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मुख्य द्वार पे धरना दिया और रोषपूर्ण प्रदर्शन किया, पूरे मामले की जांच की मांग की। प्रश्नकाल में भी इस बात को उठाया गया लेकिन अब तक तो विधानसभा से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, ये RDX रामदास साहू जी पलामू का ऐसा व्यक्ति है जो खुद को समाज से भी बताता है लेकिन किसानों को कैसे धोखे में रखकर ये लूट रहा है। वहां किसानों को हर साल किसानों के हक के करोड़ों रुपए अपने खाते में ले रहा है। धान खरीद में दो तरह की गड़बड़ियां होती है, इसमें एक तो फर्जी किसानों से खरीद का मामला है और दूसरा है कि हमने खरीदा ही नहीं धान और किसानों के नाम पे दिखा दिया। ये दोनों काम रामदास साहू एंड सिंडिकेट पलामू में कर रहे हैं। जो धान किसानों से नहीं लिया जाता है उन किसानों के नाम पे मैक्सिमम 300 क्विंटल धान दिखाया जाता है, वो खरीद दूसरे राज्यों से होकर आती है। अच्छा। धान की खरीद राइस मिल में जाता है, वो झारखंड का धान बताते हुए, झारखंड के किसानों का धान बताते हुए वो पैसा फिर धान राइस मिल से पॉलिश करके फिर FCI के गोदाम में भेज दिया जाता है। ये जो बीच का अंतर मूल्य है करोड़ों रुपए जो अंतर मूल्य आते हैं वो रामदास साहू जैसे लोग हड़प रहे हैं, हर साल हड़प रहे हैं, हर साल। भारती जी एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, 2014-15 में महालेखाकार AG की रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आई, पलामू ही नहीं झारखंड के कई जिले जिसमें ज्यादातर धान पशुपालन घोटाले की तरह मोटरसाइकिल, टेम्पो, बैलगाड़ी से ढोया, मतलब ऐसे ऐसे गाड़ी के नंबर दिए गए, जब जांच हुई तो मालूम चला कि ये मोपेड है, मोपेड पे 200 टन धान ट्रेवल कराया गया है, उसका भी भुगतान लिया है सरकार, सरकार से लिया गया है जैसे लोगों ने, सरकार से लिया गया है। और 81 राइस मिल प्रदेश में जो प्रमुख 81 राइस मिल है उन सब में गड़बड़ियां पाई गई हैं लेकिन अब तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को थोड़ा पनिशमेंट कुछ लगाकर छोड़ दिया गया। ये सारे राइस मिल वाले रामदास साहू सहित 24 जिले में जो भी प्रमुख राइस मिल है वो सभी धान घोटाले में शामिल है। अगर इसकी विस्तृत जांच हुई तो ये पशुपालन घोटाले से भी एक बड़ा घोटाला झारखंड का सामने आएगा जो किसानों से जुड़ा। अच्छा, सीधे तौर पर भारती जी, मतलब अमित जी मैं सोच कह रहा हूं, पता है बैजनाथ जी, कुछ लोगों से रामदास साहू कह रहे हैं कि वो पांकी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि लड़ेंगे, मैं मतलब ये सोच रहा हूँ बैजनाथ जी, अच्छा है वो लड़ जाए चुनाव ताकि किसान उनको बता दे कि आपने जो किया उसका इनाम यही हो सकता है लेकिन दादा मतलब लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप केवल बाहर से राज्यों की बात नहीं करें बल्कि मैं ये समझता हूँ जो बीच के जो दलाल लोग हैं वो जो 12 रुपए खरीद रहे हैं वो धान भी वहीं पहुंचता है जहां सरकारी धान पहुंचता है। सही बात है, आज खुले बाजार में जो 12 रुपए 12.5 रुपए धान खरीद हो रही है तो वो धान आखिर कहां जाता है? हजारों ट्रक तो लातेहार जिला से जाता है और किसान इस फेर में रखे कि हमारा कृषि सरकार खरीदेगी, जब डीले होने लगता है उनको रखने की जगह नहीं होती है तो अन्य पूर्ण दाम में 12 रुपए 12.5 रुपए हाईएस्ट 13 रुपए तक धान बिक्री हुआ। अच्छा, और अभी अब देखिए धान आ गया है, लोगों किसान के खलिहान में आ चुका है, अगर जल्दी में शुरुआत नहीं हुई तो फिर उन्हीं दलालों की चांदी हो जाएगी जो 12 रुपए और 13 रुपए खरीदेंगे और यहाँ सरकारी रेट पर उनको उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ साथ जो राइस मिल के मालिक हैं, कई बार ये बात सामने आई है कि राइस मिल को धान तो सरकार ने दिया लेकिन ना तो वो पर्याप्त चावल उपलब्ध कराए और ना ही पैसा उपलब्ध कराए, तो इस कारण से किसान मारा जा रहा है। तो ये राइस मिल वाले भी कम नहीं है, राइस मिल वालों की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखने की जरूरत है सरकार को, और जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं बिल्कुल संवेदनशील होकर अगर इस चीज को देखेंगे तो मैं समझता हूँ जितना किसान आज बोझ झेल रहा है उतना बोझ उसको नहीं झेलना पड़ेगा, उतनी दलाली हावी नहीं हो सकती है जितनी की आज है। बिल्कुल, तो इसको रोकने की जरूरत है। विभाग जो खाद्य आपूर्ति विभाग है कम से कम उसको सतर्क रहना पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति की बात क्या बोले, पिछले सालों में जो कुछ हुआ
वो आप आश्चर्य करेंगे कि जिस जगह की दूरी 8 किलोमीटर उसको 22 किलोमीटर की दूरी दिखाकर पैसा निकासी हुआ। रेंट जो दिखाया गया लातेहार से लातेहार स्टेशन महज 7 किलोमीटर है गोदाम तक, लेकिन उसमें 22 किलोमीटर उसका डिस्टेंस दिखा के और उसका किराया वसूल हुआ। ये हम लोगों ने हाउस में भी उठाया था विषय को, लेकिन उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। हम लोग मांग करते रहे हैं, लेकिन ये मिलके पिछले 5-6 साल से ये परंपरा सी चली आ रही है। और मैंने तो एक न्यूज देखा था कि लोग ये बोले कि बाकी सब छोड़ दो, मेरा संपर्क सीधे है। अब सीधा संपर्क कहाँ है वो तो वही बता सकता है, जिनका संपर्क होगा वो बता सकते हैं। अच्छा देखिए दादा, आदित्य साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राष्ट्र बीजेपी के महामंत्री भी हैं। आदित्य जी न्यूज 11 भारत में स्वागत है। लेकिन दुख हो रहा है सर, आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो दुख ये हो रहा है कि रामदास साहू जैसे लोग छुट्टे शेर की तरह घूम रहे हैं बाहर और हम ठोक रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री से सवाल करना न्यूज 11 भारत पहुंचता है तो वो न्यूज 11 भारत का माइक झटक देते हैं। सर क्या कहें? देखिए सरकार जब से बनी है तब से आप देख रहे हैं कि जनता का चिंता छोड़कर के माफिया दलालों और बिचौलियों के साथ चल रही है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की भाभी जी और आदरणीय शिव सोरेन जी की पुत्र बहू जी, उन्होंने कहा है, वोट कर चुका है कि सरकार बिचौलिया दलालों की। देखिए वैद्यनाथ राम जी कह रहे हैं कि थोड़ा पीछे चले जाइए, दो साल पीछे भी जाइए। वैद्यनाथ राम जी खुद अपने आज आकलन करें उसके बाद वो बोले अपने आप में, लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ कि ये सरकार माफिया दलालों की सरकार है जी। सरकार को बयानबाजी के साथ करके उसको जांच कराकर जो दलाली करता है, जो माफियागिरी करता है, जो बिचौलियागिरी करता है उस पर कार्रवाई करे। क्योंकि ये विषय आज सिर्फ पलामू का नहीं है, पूरे झारखंड राज्य का विषय बन चुका है जी। जो अनाज किसानों के घर में जाना चाहिए, जो अनाज गरीबों के यहाँ जाना चाहिए, जो अनाज दरिद्रों पिछड़ों वंचितों सभी वर्गों को भी जाना चाहिए, उस अनाज का लोग कालाबाजारी करने का काम करके गरीबों का न्यौला छीनने का काम करते हैं। तो इसी परिस्थिति में मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे कितनों से कितने बड़ा कोई हस्ती क्यों ना हो, जो गरीबों का निवारण छीनने का काम करता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा आदित्य जी, आदित्य जी, राजी के पुत्र की बात है आदित्य जी, उस पर भी जांच करना चाहिए जी। जी एक 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 सवाल का और जवाब दे दीजिए, चूंकि बीजेपी कहती है कि भाई वो किसानों की हितैषी है, तो क्या अगर ऐसे में कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से भी कोई सख्त रुख देखेंगे? देखिये बीजेपी किसानों को हितैषी तो स्पष्ट हो चुका है, आदरणीय मोदी जी डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक किसान परिवार को 2,000 रुपया प्रत्येक 4 महीना में भेजते हैं जी। जब आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार थी तो प्रति एकड़ 5,000 रुपये और 5 एकड़ में 25,000 रुपये देने का काम कर रही थी। जब ये सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों को कुचलने का काम किया और किसानों को जो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के माध्यम से 5,000 प्रति एकड़ 25,000 को 5 एकड़ मिलता था उसको बंद करने का काम किया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता सेवा के भाव से दल में जुड़ता है। माफियागिरी खत्म करने के बाद, माफियागिरी करने के बाद दलाली खत्म करने के बाद और जनता का जो शोषण करता है उसको खत्म करने की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पे उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। जी जी जी, चलिए वैद्यनाथ राम जी बता रहे हैं कि भाई 50,000 रुपए तक का लोन सरकार ने माफ कर दिया है किसानों का, तो ये बात भी वो चाह रहे थे कि मैं आप तक पहुंचा दूं। वैद्यनाथ राम जी को पूछिए कि किनका किनका माफ हुआ है, घोषणा करने में माहिर लोग हैं जी। आप चलिए चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। मैंने खुद से दिया है सर्टिफिकेट, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि माफी हो रही है जी जी जी। और पिछले 2 साल पहले जो कुछ हुआ है वो हम लोग सीपी नहीं है कि किस प्रकार इंश्योरेंस का पैसा लेकर लोगों ने हड़प लिया उसको जी जी। 1 रुपया किसानों के खाते में नहीं गया, लेकिन धान फसल लेकिन उसका रिपोर्टिंग करा दिया गया और मामला तय हो गया। लेकिन कम से कम आदित्य जी ये तो मान रहे हैं कि ठीक है अगर इसमें कार्रवाई होती नहीं है तो वो कम से कम बीजेपी का रुख बहुत सख्त रहने वाला आने वाले समय में। आप हमारे साथ बने रहिए, अमित जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, रामदास जी भूलिएगा मत, किसानों का खून जिन्होंने भी चूसा है। मैं सिर्फ रामदास साहू की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे झारखंड के ऐसे बिचौलियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने किसानों का लहू चूसा है, जिन्होंने किसानों को रुलाया है। न्यूज 11 भारत की टीम निकल चुकी है और पूरे झारखंड का वो दौरा कर रही है, हमारी 10 से ज्यादा टीमें फील्ड में। रामदास साहू और ऐसे तमाम जो बिचौलिए हैं
जो किसानों का खून चूस करके आरडीएस रमाडा तैयार करते हैं, उन तमाम लोगों की फेहरिस्त हम तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द डंके की चोट पर वार होगा ऐसे लोगों पे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर इसकी ढंग से जांच हो जाए ना तो पूरे झारखंड में जो घोटाला सामने आएगा धान क्रय वाला, वो अपने आप में समझिए कि वो झारखंड के सबसे बड़े घोटालों में से एक होगा, यूं कहूं कि देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस नेता और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। अंबा जी, बहुत स्वागत है आपका। अंबा मैडम, लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि रामदास साहू जैसे शख्स, मैं जानता हूं कि ऐसे लोग ना बीजेपी के होते हैं ना कांग्रेस के होते हैं, इनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं होता, इनका ताल्लुक सिर्फ मानवता से विरोधी होता है, लेकिन दुख इस बात पर हो रहा है कि ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर जांच कब होगी मैडम? ऐसे लोगों को सजा कब मिलेगी? धान का घोटाला कब सामने आएगा मैम? देखिए, अभी पता चला है आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जी कि इस तरह की बात आ रही है जी। और कोई भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जनता इतने विश्वास से लोगों को, मतलब लोगों के पास जाती है, अपने समस्याओं को रखती है, उनके उनके समस्याओं के हल के लिए सरकार बहुत सारा स्कीम निकालती है, बहुत सारा सुविधा देती है, और वो सुविधा अगर लोगों तक नहीं पहुंच के और फिर घोटालेबाजी किए जा रहे हैं उन सारी चीजों पे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त है, गलत काम किए, भ्रष्टाचार किए हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सभी कोई, चाहे कोई भी हो, सब मानते हैं कि भैया कार्रवाई तो होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कह रहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या जेएमएम, हर कोई मानता है। वो थोड़ा सा हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री थोड़ा भावनाओं में, समझ में आता है कि भावनाओं में रह गए, वो चूंकि आईपीएस रहे हैं तो वो वाला तेवर थोड़ा सा उनके अंदर है। भैया सवाल पूछा गया, वो सवाल थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, लेकिन मैं एक बार बैजनाथ राम जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं बैजनाथ राम जी की तरफ चल रहा हूं, चूंकि कुछ जवाब है, आदित्य साहू जी ने कुछ सवाल उठाए थे, कुछ आंकड़ों के साथ वो आए हैं, पूरा आंकड़ा वो बताना चाह रहे हैं कि भैया आपका सवाल ये था ना कि किसानों के लिए क्या किया है, तो बता देते कि किसानों के लिए क्या किया। जी बैजनाथ जी, नहीं, किसानों के लिए सरकार बनने के साथ ही घोषणा हुई थी कि हम लोग किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, और ये खुशी है कहते हुए कि 50,000 रुपए तक के जो कृषि लोन थे वो पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि पता नहीं है, मैं खुद से बांटा हूँ, स्थापना दिवस के अवसर पर बांटा हूँ, अभी आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी हम लोगों ने बांटा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांटा है, सर्टिफिकेट देने का हम लोगों ने किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उनका कहना कि गलत है कि हम लोगों ने उसको माफ किया नहीं है, और उसमें माफी नहीं हो रही है, माफी हो रही है, सब जगह हो रहा है, उन्हें आंकड़ा लेना चाहिए जिलों से कि माफी का जो हुआ है उस पर कार्रवाई चल रही है या नहीं चल रही है। चलिए, दूसरी बात यह कि किसानों के लिए क्या किया, आप किसानों के लिए कई योजनाएं सरकार लाई है, अभी खाद बीज से लेकर कृषि संयंत्र तक हम लोगों ने मुफ्त में दिया है, और 10% पेमेंट पर 90% सब्सिडी पर भी हम लोगों ने दिया है। अच्छा। मैंने खुद से 2 लोगों को ट्रैक्टर दिया, महिला समूह को, ऐसे यंत्र दिए जा रहे हैं, पावर टिलर दिए जा रहे हैं, खाद और बीज इस बार पहली बार समय पर हम लोगों ने दिया। तो ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार किसानों के हित में बहुत सारे काम कर रही है, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद बीज की व्यवस्था हो, या उनके कृषि लोन माफ करने की बात है, सारी चीजें चल रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस मामले को पूरी तल्लीनता के साथ, देखिए आपके विधानसभा का ये मामला नहीं है, मामला तो बाहर का है, लेकिन चूंकि आप झारखंड के बच्चे हैं, हम सब झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड हमारी माँ है भाई, झारखंड, झारखंड के लिए कितना कितनी कुर्बानियां मिली तब जाकर के झारखंड मिला, और ये झारखंड को लूटने का मामला है। मैं एक बात समझता हूँ, मैं एक बात समझता हूँ कि चाहे वो किसी क्षेत्र का मामला हो, है तो झारखंड का। हाँ, तो क्या किसान, इस मामले को किसान तो किसान है, चाहे वो हमारे क्षेत्र का हो या साहबगंज का, दुमका का हो या पलामू का हो, किसान जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसानों के हक को मानना बिल्कुल अन्याय है, और उस पर मैं कह रहा हूँ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए वैसे लोगों के प्रति, ताकि आगे वाले समय में कोई यह हिम्मत नहीं कर सके कि किसानों के हक को मारकर हम खा जाएं। तो मतलब बैजनाथ राम जी इस मामले को उठाएंगे पूरे, निश्चित रूप से मैं उठाऊंगा, और मैंने तो कहा है कि मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि लातेहार में बहुत सारे किसानों का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, बाकी है, मैंने उठाया उस विषय को, स्वयं मेरा पैसा बाकी है, और एक किस्त मिलने के बाद वो 50% के बाद दूसरा केस मुझे भी नहीं मिला है। मैंने भी 10 दिन पहले बताया पदाधिकारी को कि मेरा भी पेमेंट नहीं आया है, बताइए अब नया धान के साथ पेमेंट करेंगे क्या,
और ऐसी स्थिति केवल मेरी नहीं है बल्कि और जगहों पर है, और हमारे कई किसान हमसे संपर्क करते हैं कि पिछले साल का पैसा नहीं मिला। तो इसमें कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करना होगा कि जो सरकार ने कहा कि फर्स्ट किस्त देंगे, आधा तो मिल गया, आधा पैसा जो लोगों को नहीं मिला है वो इस खरीदी के पहले उनको भुगतान हो जाए, ये मैं मांग करता हूँ। चलिए अमित जी, वैश्यनाथ जी जब ट्रांसपोर्टेशन वाली बात बता रहे थे कि डिस्टेंस 7 किलोमीटर है देखिए और 122 किलोमीटर बता दिया, 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर बता दिया गया है, मतलब तीन गुना से भी ज्यादा, 20 का 36। अमित जी ये बात परसों बता रहे थे, 20 का 36। यही वैश्यनाथ जी को भी ये मामला पता है, जब वो बता रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे अमित जी, मतलब खेल ही खेल है ऐसा। नहीं देखिए, जो विषय सीधा जनता से जुड़ा है उस विषय की जानकारी हम लोग भी रखना चाहते हैं। जी जी। और जहाँ कुछ ऐसी होती है तो निश्चित रूप से मन से कष्ट होता है, दिल दुखता है उसमें कि बताइए ये पैसा सरकार का, इसका पैसा का इस्तेमाल गरीबों के भलाई के लिए हो सकता था जो माफियाओं ने हड़प लिया। अमित जी, भारती जी, ट्रांसपोर्टिंग के नाम पे तो लूट हो ही रही है, एजी की रिपोर्ट में ये साफ हो गया है। गत वर्ष स्कूटर टेम्पो जैसे वाहन से 25,000 क्विंटल धान ढोए गए, ये कागजी रिपोर्ट में है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए थी, जिसमें 68 मोटरसाइकिल, 2 मोपेड, 8 टेम्पो, 7 कार, 2 जीप, 1 जिप्सी, 1 वैन, मारुति वैन, जिसमें धान ढोने का सबूत मिला है जांच एजेंसी को, एजी को। अब मैं आपको बता दूं कि झारखंड में धान खरीद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है, क्योंकि पैक्स और लैंपस से धान खरीद के लिए बोरे उपलब्ध कराए जाते हैं। 2004-05 में 1166 बोरे उपलब्ध कराए गए, 2005-06 में 2045, 2006-07 में लगभग 5,000, 7-08 में 18,911, ये आंकड़ा बोरों का बढ़ते बढ़ते 2015-16 में 2.5 लाख और वर्तमान में लगभग 5 लाख बोरे खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। धान की पैदावार इतनी तेजी से बढ़ रही है झारखंड में, ये बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए, लेकिन इसके पीछे का गणित मैं आपको बता दूं कि ये जो बोरे की संख्या बढ़ रही है, जो किसानों के नाम पर अतिरिक्त धान खरीद होती है, वो बोरे के संख्या बाहर से धान लाकर उन बोरों में भरा जाता है। पलामू में आरडीएक्स एक ऐसा नाम है जो ये सारे कर्म करता है, जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी है, वहां एफसीआई के पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी है। अब जो उस आरडीएक्स और रामदास साहू की पहुंच सिस्टम में इतनी मजबूत है, आपको भारती जी बता दूं कि मतलब कोरोना काल में 13 अगस्त इसी साल रमाडा होटल, आरडीएक्स रमाडा उसका नाम है, जिस जो 3 स्टार सुविधा युक्त है, ऐसा समाज सेवी रामदास साहू जी ने अपने मुख से बताया था, आम जनता को बताया था कि आम जनता के लिए होटल है। 13 अगस्त को कोरोना काल के दौरान इस होटल का उद्घाटन होता है अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के द्वारा, पूरे सैकड़ों भीड़, कोई कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं। अब जब सीबीआई और ईडी और एसीबी को जो शिकायतें अच्छा, मिली अच्छा, है, अमित जी, उसमें अमित जी, बताया गया है, एक 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 बहुत अच्छी चीज मैं बताऊं, फेसबुक पर हमारे एक कमेंट आया है, ये कमेंट है अरुण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी झारखंड, ये भले इस पार्टी का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है, लेकिन देखिए एक चीज है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, इनका कहना है कि बीजेपी और सत्ताधारी पार्टियां दोनों मूले हुए हैं, नहीं तो अब तक जांच होना तय था, क्या कारण है कि अब तक जांच नहीं हो रही है, बहुजन समाज पार्टी उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। कम से कम यह पार्टी जिसका बहुत ज्यादा यहां पर धरातल नहीं है, कम से कम वो मांग तो कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अंदर आपका जो जज्बा है वो जज्बा मजबूत रहना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के इस जज्बे को मैं सलाम कर रहा हूं। वैश्यनाथ जी देखिए, कम से कम उस जज्बे को सलाम करना चाहिए, मैं कहता हूं कि ये एक छोटी पार्टी होकर के ये मांग कर रही है, कार्रवाई सर, कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्या मतलब सरकार को इस मामले पर एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि झारखंड की 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ जनता देख रही है सर।
निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, सभी लोग इसके पक्षधर हैं, तो सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई तेज कर देनी चाहिए। हाँ, कम से कम कुछ नहीं तो दिखनी चाहिए कि कार्रवाई हो रही है। एफआईआर दर्ज कीजिए, वहां पर जांच कीजिए। देखिए फलामू डीसी की तरफ से तक कोई मतलब एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा है पूरा सिस्टम कि भैया इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा घोटाला हम सामने लेकर के आ रहे हैं, कम से कम कुछ तो गहमा गहमी कुछ तो नजर आए, कोई नजर नहीं। अमित जी, बिल्कुल पूरा सिस्टम ही लग रहा है कि सोया हुआ है, पूरा सिस्टम सोया हुआ है। इस लूट का पैसा सिस्टम से जुड़े कई लोगों तक पहुंचता है, जिला प्रशासन के कई बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचता है। मैं अब ये जांच जब भी सीबीआई और ईडी और एसीबी की जांच होगी इसमें सामने आ जाएगी बातें। अभी जो मैं बता रहा था आपको कि ईडी के पास जो शिकायत पहुंची है, सीबीआई के पास जो शिकायत पहुंची है, जो पलामू में रमाडा होटल बना है जी, उसको बनाने के लिए बंगाल और यूपी से विशेष कारीगरों की टीम आई थी। अच्छा, उसके इंटीरियर और अन्य सुविधाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसा बताया गया है शिकायत में कि उस रमाडा होटल में कई तहखाने हैं, अगर उन तहखानों की जांच हुई तो बहुत करोड़ों रुपए जब्त हो सकते हैं, ऐसा बताया गया। मतलब जो शिकायत पत्र सौंपा गया सीबीआई और ईडी को, एसीबी को, ऐसा बताया जा रहा है। जिला प्रशासन के पास सारे सबूत है धान खरीद में घोटाले के। पलामू जिले में जिला प्रशासन के द्वारा अभी 13 प्रमंडलों में लगभग 5,000 से ज्यादा किसानों का आईडी रद्द किया जा चुका है, जो फर्जी मिले, जिनसे खरीद हुई ही नहीं लेकिन उनके नाम पर लाखों रुपए की लेन देन हुई है। ये सबूत सामने आ चुके हैं, फिर भी जिला प्रशासन सोया हुआ है। इसलिए रामदास साहू की पकड़ सिस्टम में वाकई में बहुत मजबूत है, हर दल में है, अब तक जैसा स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है। भारती जी, बैजनाथ जी, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि राज्य के मुख्यमंत्री को इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं चलने दिया जाता है। सच बात यही है, मतलब मैं जहां तक मुख्यमंत्री को अब तक समझ सका हूं, देख सका हूं कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के प्रति इंटॉलरेंट है। बिल्कुल, जो मामले उन तक पहुंचते हैं मैंने उसमें एक्शन भी देखा है, मैंने देखा है कि एक्शन होता है कम से कम। नहीं, बिल्कुल, इस बार पहली बार हुआ कि सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें थाने में छापामारी हुआ। ये हेमंत सोरेन जी की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। लेकिन अब बहुत कुछ सारी बातें उनके नॉलेज में सही नहीं आ पाई, शायद ये बात उनके नॉलेज में नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विधायक साहब इस बात को उन तक कम से कम पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से इस बार जो सत्र होने वाला है उसमें मैं गंभीरता के साथ इस विषय को ले जाऊंगा मुख्यमंत्री के समक्ष, और प्रयास रहेगा कि मेरा कम से कम जांच शुरुआत करते हैं। कम से कम मतलब जांच तो हो जाए, जांच तो शुरू हो जाए। चलिए अमित जी, विधायक जी कम से कम ये तो कह रहे हैं कि चलिए इस बार जो सत्र होगा उस सत्र में जोर शोर से इस बात को रखेंगे, मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में बताएंगे। तो कुल मिलाकर के अमित जी देखिए हमारा मोटिव जो है वो यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रामदास साहू साहब, अभी मैं फिर आपको जानकारी दे देता हूं कि आज हमने जो दिखाया है, ठीक है, आज हमने बहुत कुछ वही सारी चीजें दिखाई है जो आपने देखा, ठीक है, वो तमाम चीजें दिखाई है, ठीक है, और आगे भी ऐसे वारों के लिए तैयार रहिए। देखिए विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान जी, देखिए बहुत दुख होता है इरफान भाई कि रामदास साहू जैसे लोग खुद को कांग्रेस का नेता बताते हैं, जबकि हम भी ये बात यहाँ चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि वो ना कांग्रेस के है ना बीजेपी के है, वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। लेकिन दुख तब और ज्यादा होता है जब हमारे रिपोर्टर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री साहब से सवाल पूछना चाहते हैं तो माइक झटक देते हैं। हम फिर भी बुरा नहीं मानते, हम समझते हैं कि भैया वो आईपीएस रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो थोड़ा गुस्सा आना लाजमी है, बात समझ में आती है। लेकिन दुख तब असली चीज दुख होता है कि अब तक 2-3 दिन से ये खबर दिखाई जा रही है लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो कि किसानों का खून चूस रहा है। इरफान भाई, देखिए कांग्रेस पार्टी सदा किसानों के हित में रही है और आज जो किसान भाइयों को मारा है भाजपा ने मारा है, बातें आ रही है सामने की धान में कुछ अगर खरीद फरोख्त हुआ है तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है बिल्कुल फेयर है, आज तक सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा है। लेकिन अगर आप बता रहे हैं ये बातें कि धान में अगर कुछ घोटाला हुआ है तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, हम लोग मांग करेंगे जांच होगा इसका, क्योंकि धान जो है किसानों से जुड़ा हुआ है जी। किसानों का हमदर्द यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी। अच्छा,
तो जो बातें आप तो कार्रवाई करवा के मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए 3.25 करोड़ जनता इरफान अंसारी को सुन रही है। सब कोई जानते हैं कि इरफान अंसारी बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, जुबान से बोलने वाले आदमी है नहीं। तो क्या उम्मीद करूं कि जो खबर हम दिखा रहे हैं सरकार का संज्ञान उस पर लाने वाले इरफान अंसारी वो शख्स होंगे, इसको लेकर के इरफान अंसारी कल से रेस रहेंगे? बिल्कुल, देखिए यदि देखिए चैनल के माध्यम से तो मैं नहीं बता सकता कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि घोटाला हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि घोटाला हुआ है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार की छवि कोई खराब करेगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं। चलिए ठीक ठीक, मैं आपको दिलाता हूँ, सरकार जनता ने बनाया सरकार। चलिए, भाजपा ने जो घोटाला किया याद रखिएगा, ठीक, धान उन बहुत छोटा चीज है, भाजपा ने बड़े बड़े घोटाले किए। ना ना, एकदम एकदम, आपकी तमाम बातों पर तब विश्वास करेगी जनता जब ये कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है? धन्यवाद, चलिए बहुत शुक्रिया इरफान भाई। इरफान भाई थे, इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चलिए क्लोजिंग कमेंट, चूंकि वैजनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैजनाथ जी एक फाइनल कमेंट, हमारे पास 30 सेकंड है, बता दीजिए सर। जिन लोगों ने भी जो बात आ रही है सामने कि धान खरीद में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे लोग मैं मानता हूं कि किसी दल के नहीं है, किसी समाज के नहीं है, समाज के द्रोही हैं और किसानों के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को कहीं भी बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाना चाहिए और सख्ती के साथ ऐसे लोगों से पेश आना चाहिए, चाहे वो जनता के स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, पदाधिकारी के स्तर पर हो, सभी लोगों को संजीदगी के साथ इनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में कोई और रामदास नहीं खड़ा हो जाए। तो इसे अलर्ट करने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि कार्रवाई पर सुनिश्चित हो। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया वैजनाथ जी आपका, बहुत शुक्रिया अमित सिंह साहब आपका और उन तमाम मेहमानों का जो कि फोन लाइन पर हमारे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।